ये कुतुब मीनार को लेकर के कंप्लेंट लिखा था, उस पर क्या कार्रवाई? देखिए, कुतुब मीनार पे जो वर्षों से गणेश जी की पूजा को रोक रखा है, उसके लिए हमने पत्र लिखा था कि पूजा शुरू करी जाए, क्योंकि वहाँ पर हर शुक्रवार को जुमे की नमाज़ अदा की जाती है। अगर वो मस्जिद है वहाँ पर कोई ऐसी जहाँ पे नमाज़ अदा की जाती है, तो वहाँ भगवान भी स्थित हैं, तो उनकी पूजा भी होनी चाहिए। और अभी एएसआई ने वो हमारे एक पत्र पे उस नमाज़ जो लोग वहाँ अदा करते थे उस पर रोक लगाई है, क्योंकि जब पूजा नहीं हो सकती भगवान के स्थित होते हुए, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में वहाँ विराजमान है, तो फिर नमाज़ भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो कानून है वो सभी धर्मों के लिए समान है। अच्छा, एएसआई ने कुतुब मीनार में नमाज पढ़ने से मना कर दिया है, इसका कोई नोटिस या फिर कोई पत्र है आपके पास? देखिए, एएसआई ने नमाज़ अदा करने से मुस्लिम पक्ष के लोगों को मना किया है, रोक लगाई है, क्योंकि उन्होंने जब उनसे परमिशन लेटर मांगा तो उनके पास इस तरह का कोई परमिशन नहीं था। एएसआई ने उन्हें कभी कोई परमिशन नहीं दी कि आप यहाँ नमाज़ पढ़ सकते हैं, तो जब उन्होंने परमिशन ही नहीं दी तो फिर वो नमाज़ अदा नहीं कर सकते वहाँ। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि वर्षों से वहाँ पूजा हो रही थी, उस पर रोक लगा दी गई पिछली सरकार में, और जो एएसआई विभाग के लोग हैं, मेरी भी उनसे बात हुई है, और उन्होंने उस बातचीत में ये कहा कि यहाँ पर नमाज़ नहीं होती, इस तरह की हमने कोई परमिशन नहीं दी है, और जो नमाज़ चल रही है वो स्वयं ही लोग वहाँ जाके पढ़ रहे हैं, उस पर ज़रूर रोक लगाई गई है। तो अच्छी बात है रोक लगाई गई, क्योंकि यदि आप वहाँ पे स्थित देवी देवताओं को सम्मान नहीं दे सकते, उनकी पूजा अर्चना की इजाज़त नहीं दे सकते, तो फिर नमाज़ भी नहीं पढ़नी चाहिए। और सभी धर्मों के लिए जब कानून बराबर है, तो जो हिंदू धर्म के देवी देवता वहाँ उपस्थित हैं, साक्षात वहाँ पर हैं और उनका अपमान हो रहा है, तो उसको भी रोकना चाहिए, और गणेश जी की जो पूजा आरती अर्चना वहाँ पहले होती थी उसे दोबारा से शुरू करना चाहिए। क्या लगता है कि आपने जो पत्र लिखा था जी, उसी के कार्रवाई में ये एक स्टेप है? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, मैं बहुत प्रशासन का स्वागत करती हूँ और एसआई विभाग का स्वागत करती हूँ कि उन्होंने हमारे पत्र पे संज्ञान लिया और एक अच्छी पहल करी है अपनी तरफ से।